दिस इज अंशल श्रीवास्तव, ऑल इंडिया रैंक 89th इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द ईयर 2017-18. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड सब्सिक्वेंटली दे आर गोइंग टू फेस द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. Before going to physical efficiency test, you will be asked to fill a detailed application form, and whatever details you fill in this detailed application form are the basis of the questions which are asked in the interview. So it is very much important that you fill this detailed application form with utmost sincerity and utmost care, so that you can give a standard answer to the questions which are asked in the UPSC interview. इसीलिए मेरे सामने मेरे पास मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है. मैं कोशिश करूंगा कि किस कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आपको फोकस करना है, कितना टाइम आपको अलग अलग एरियाज पे देने हैं, उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा. और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कहां से जनरेट होते हैं. आप मान के चलिए कि 70% आपका इंटरव्यू आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे रहता है और बाकी 30% आपका वो करंट अफेयर्स हो गया या आपके स्टैटिक नॉलेज जो आपने पढ़ा है या आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि आप इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से भरें और एक बार लोगों से डिस्कस करके इस डिटेल एप्लीकेशन को भरें. उससे पहले लोग कभी कभी सोचते हैं कि इंटरव्यू जो है सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट है, कोई नॉलेज वगैरह इनमें चेक उतना नहीं होता है. लेकिन मेरा मानना यह है कि नॉलेज जो है आपका पर्सनालिटी का ही सबसेट है. आपको बहुत जरूरी है कि एक बेसिक नॉलेज हो हर टॉपिक से रिलेटेड. आप जिसपे आप सोसाइटी में हर चीज को ऑब्जर्व करें, डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उस पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. आप एक्विंटेड हैं कि नहीं जो समस्याएं चल रही हैं समाज में, तो ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी का ही एक सबसेट है. तो हम नॉलेज को बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते. अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरा अपना पर्सनल सुझाव रहेगा कि आप अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स वगैरह से डिस्कस करें. जो भी चीज आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो सर्कुलेट कर दे लोगों के बीच में अपने डेप को, और उनसे जानने की कोशिश करें कि इन इस डेप से क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं. तो उससे आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बंडल मिल जाएगा. अब इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे. इतना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या है कि आप इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट आप बना सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एकदम पूछे ही जाएंगे मेरे से. एक आप मॉडरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हैं कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि कुछ चांसेस है पूछने के, लेकिन बहुत कम चांसेस है पूछने के लिए, उनमें आप बहुत कम टाइम दें. जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे आप ज्यादा टाइम दें. और आप मान के चलिए कि मेरा तो ये दो बार का एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू देने का यूपीएससी में, तो मैंने ये देखा है कि 70% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सपेक्टेड रहते हैं. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहां से आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं. और दूसरी बात, एक बात और है कि आप इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टेंस्ड भी ना हो, क्योंकि एक लिमिट होता है किसी भी आदमी को प्रिपेयर करने का. आप एक लिमिट से ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. और जाहिर सी बात है कि अगर आप देखिए, आप उन बोर्ड मेंबर्स के सामने, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, काफी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, सुबह से लेके अलग अलग एग्जामिनेशंस का इंटरव्यू ले रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको अपने जॉब का, तो आप उनसे बेहतर तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन हाँ एक लेवल का प्रिपरेशन रखिए ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ शेयर कर सकें. तो आप कभी इंटरव्यू में ये मत सोचिए कि मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है. आप ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, आपका टारगेट होना चाहिए. सारे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते, और अगर आप देते भी हैं तो आप उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है. तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर टॉपिक को आप प्रिपेयर करें, कोई सा टॉपिक छोड़े नहीं, और किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करें, है ना. तो अब मैं एक एक डिटेल्स इसमें से उठाऊंगा अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में से, और आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे से एंटर करते ही पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज व्हाई द बिल्डिंग ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज धौलपुर हाउस, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट. तो अब आप देखिए कि पहला सबसे ऊपर ही आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहता है यूपीएससी, तो पहला क्वेश्चन यहीं से जनरेट हो सकता है. एनीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी व्हेन इट वाज फॉर्म, क्या हिस्ट्री है, बिल्डिंग का क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन.
जो अगला आपका जो आता है, सबसे पहले आपका नेम आता है, तो नेम से आपके कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, जैसे आपके नाम का मीनिंग क्या है। जैसे मेरे से ही 2017 12 जनवरी 2017 को जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे से पूछा गया था कि बीच में एक बोर्ड मेंबर ने पूछ दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंसल। तो वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड टाइप का होता है, लेकिन वो कभी कभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो आपको अपने नाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम आनंद है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं कि विश्वनाथन आनंद के बारे में बताइए, या आपको आनंद जो मिल्क इंडस्ट्री है उसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो फिर इससे व्हाइट रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन जा सकता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन अगर आया तो आपका और सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह पे भी क्वेश्चंस निकल सकता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। और हाँ, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आपके नाम से रिलेटेड साइनोनिम्स क्या है या एंटोनिम्स क्या है, और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि आपकी सुटेबिलिटी क्या है इस नाम के साथ। क्या मान के चलिए मैंने आनंद का जो आपका एग्जाम्पल लिया था, तो आनंद आपके नाम को कितना सूट करता है, आपका नेचर कैसा हो गया उस आनंद नाम से, आपको क्या हेल्प मिला है, इस टाइप के क्वेश्चंस निकल जाते हैं। और कभी भी मेरा तो ये कहना है कि आप कभी भी कोई आंसर देते हैं उनके सामने, बोर्ड मेंबर्स के सामने, तो आप कोशिश कीजिए कि एक डिटेल्ड आंसर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन जनरेट करने का कॉलम होता है वो आपका ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस देखिए, अगर नॉर्मल ईमेल एड्रेस है तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टाइप का किसी का ईमेल एड्रेस होता है, जैसे मेरा ही है। तो फर्स्ट टाइम पे जब मैं अपना दे रहा था इंटरव्यू, तो ये सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आर यू अ बिग फैन ऑफ जेम्स बॉन्ड, तो मैं सरप्राइज सा हो गया, आई वॉज टेकन इन अ सरप्राइज दैट हाउ कम दिस क्वेश्चन इज जनरेटेड। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि ऐसा कुछ डेफ में है नहीं, तो एकदम से शुरू का क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछा जा सकता है। सो दैट एस सी गुप्ता सर वॉज द बोर्ड में चेयरपर्सन ऑफ माय बोर्ड दैट टाइम, एंड ही केम टू नो दैट आई एम बिट अमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम अनेबल टू गेस व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो ही टोल्ड मी व्हाट इज योर ईमेल आईडी, देन आई रिकॉल दैट माय ईमेल आईडी वाज ansalsrivastava007@gmail.com, देन आई रियलाइज दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम देयर। सो सी, इफ माई ईमेल आई डी वॉज रिलेटेड टू सम सीक्रेट नंबर 007 विच इज रिलेटेड टू अ सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड, सो ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्लेस। देर आर कैंडिडेट्स, कुछ होते हैं लोग जो कभी कभी अपना ईमेल आई डी यूज नहीं करते हैं, अपने दोस्तों का ईमेल आई डी यूज करके और ये अपना डेफ वगैरह जब भरते हैं डाल देते हैं, तो जाहिर सा बात है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका ईमेल आई डी क्यों नहीं है, क्या है। तो इसके पीछे आप एक जेन्युइन आंसर बना लीजिए। कुछ लोग जैसे अपने ईमेल आईडी में अपने इंस्टीट्यूशन का नाम ऐड कर लेते हैं, जैसे कॉलेज किससे पढ़ा है आपने, किस स्कूल से पढ़ा है, जैसे कुछ लोग आईआईटी यूज कर लेते हैं या जेएनयू यूज कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड ये आपने क्यों यूज किया है, क्या है, वो क्वेश्चन आपसे निकल सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछने का जो एरिया होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ से होता है। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ पे दो चीज आप ध्यान रखिए कि सबसे पहला है कि आपका ईयर ऑफ बर्थ, तो मान के चलिए मेरा 1995 का ईयर ऑफ बर्थ है, तो 1995 में कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या इवेंट्स हुए हैं, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी का 1992 है, 1996 है, जो भी है, तो आपको उस 1991 है तो एलपीजी रिफॉर्म, जाहिर है कि क्वेश्चन पूछा जाए, चांसेस होते हैं कि आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या था क्या नहीं था। तो जो ईयर ऑफ बर्थ है उस पर आप फोकस कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कोई भी हो सकता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, अगर बीच में अगर उन्होंने पूछ दिया तो आप कुछ तो बोल पाए। फिर एक कॉलम आता है आपके मैरिटल स्टेटस का, तो देखिए जाहिर सी बात है लगभग लोग अनमैरिड ही होते हैं, अगर कोई मैरिड है, डाइवोर्सी है वगैरह, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नहीं तो जनरली उतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है इस सेक्शन से रिलेटेड। फिर जो अगला पार्ट है आपका जो परमानेंट एड्रेस का पार्ट है, उसमें आप अपना जो परमानेंट एड्रेस देते हैं, तो उसमें तीन पार्ट में उसको बांट लीजिए, एक तो स्टेट हो गया, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तीसरा आपका विलेज या टाउन हो गया। अब देखिए, विलेज और टाउन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका, अगर कुछ यूनिक है उस प्लेस का तभी आपसे विलेज या टाउन लेवल पे जाके कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन या फिर किसी जो बोर्ड मेंबर्स है उसमें से, या उन्होंने आपके गांव से रिलेटेड कभी उनका एक्सपीरियंस रहा हो आपके गांव में काम करने का, तो ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है, नहीं तो ज्यादातर वो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे पूछते हैं। अब देखिए,
अब क्वेश्चन जो इन जगहों से पूछे जाते हैं उनमें आप देखिए कि ज्यादातर पूछा जाएगा कि आपके स्टेट की समस्या क्या है। जैसे इस बार मेरा इंटरव्यू था तो सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था मेरा, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन देते में ही मैंने बताया उनको कि मैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूं। तो अगला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरे से कि बिहार की लगभग जनसंख्या, ज्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर पर रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है एग्रीकल्चर में और इस कारण से काफी सारी समस्याएं निकल रही हैं। वो समस्याएं क्या हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आपसे प्रॉब्लम्स वगैरह पूछे जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स में एकदम आइडियल आंसर आपको देने की जरूरत नहीं, आप एक प्रैग्मेटिक आंसर दीजिए, एक बैलेंस बना के चलिए। आइडियल सिचुएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो आप अगर मान के चलिए आप कहीं पोस्टेड भी हैं जाके बाद में, तो आप आइडियल सिचुएशन कैसे वहां पे आप तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसी बातें उनको बताइए जो प्रैग्मेटिक हो, जो हो सकता है वहां पे। और कभी भी आंसर अपना कोशिश कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट आंसर मत दीजिए, कंक्रीट आंसर दीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है इनको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फिर अगर आपको अपने जो स्टेट के बारे में आपको अगर प्रिपेयर करना है तो वहां की डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ डाटा देख लीजिए, कितने परसेंट लोग कितने एज ग्रुप के हैं, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, क्या बोलते हैं अदर स्टेट से रिलेटेड, है ना। ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग क्या है अदर से। तो अब आप इसमें अब देखिए कि उस डेमोग्राफी को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट की समस्याएं क्या, आपके पास कुछ डाटा भी आपका इकट्ठा हो जाएगा जो डाटा को आप यूज कर सकते हैं वहां पे बोलते समय। ज्यादा डाटा भी नहीं यूज करना चाहिए, ज्यादा आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन कुछ डाटा तो जरूरी है आपको आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। और अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अपने घर के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ उससे हिस्टोरिकल इवेंट्स तीन चार आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं चंपारण से बिलोंग करता हूं तो ऑब्वियस सा 100% मुझे पता था कि चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आना, और वो थर्ड क्वेश्चन ही मेरा चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था। तो मैंने आपको बताया कि आप अपना 70% इंटरव्यू अपने डेफ के आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उसी प्रकार मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, मैंने उसको प्रिपेयर भी किया हुआ था ठीक से, तो वो क्वेश्चन आया तो मैंने अच्छा उनको जस्टिफाई किया था। और वैसे भी मैं अभी अपना जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है इस बार का मैंने वैसे स्टडी फंडा के साथ शेयर कर दिया है, या फिर आप anshalsrivastava.blogspot.com पे जाके देख सकते हैं, उस पे मैंने क्या मैंने आंसर्स दिए थे और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं और कैसे आंसर को दिया जाता है। मैंने इंटरव्यू में 98 मार्क्स स्कोर किया था जो एक डिसेंट स्कोर है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री के बाद आपको अपने सोसाइटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, कैसी सोसाइटी है, कस्टम्स क्या है, कोई त्यौहार ऐसा आपके वहां होता हो जो बहुत प्रोमिनेंट हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन, सॉन्ग्स कोई बहुत प्रोमिनेंट हो, है फोक डांस वगैरह, ये सब ऐसा कुछ अगर वहां से बिलोंग करता है तो वो। फिर आपके एरिया से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ भी जो यूनिक है आपके स्टेट में या मान के चलिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में वो पूछा जाए। जैसे बिहार में, तो बिहार में लीची वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो पूछ सकते हैं आपसे कि लीची इतना होता है फिर भी क्या बोलते हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वहीं क्यों नहीं बैठा दे रहे हैं ताकि लीची से जूस मैन्युफैक्चर हो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। हाजीपुर वगैरह बनाना वगैरह के लिए बहुत फेमस है वहां पे, तो उससे चिप्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे निकल सकते हैं आपके जब आप इंटरव्यू के बीच में, तो इन पे आप ध्यान दें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला एक कॉलम आता है आपका, आपने आज से पहले कौन कौन से यूपीएससी के एग्जामिनेशंस दिए हैं। जैसे मैंने 4 बार एनडीए दिया था, 5-6 बार मैंने सीडीएस दिया था, और इससे पहले फिर सीएपीएफ का मैंने एग्जाम दिया था। तो ये आप डिटेल डालते हैं उसमें, आप अपना आपने इंटरव्यू में अपियर किया या फाइनल रिकमेंड हुए कि नहीं हुए, ये सब आपको उसमें डालना होता है। और उसका फिर इसके बाद अगर आप देखें तो अगला जो कॉलम होता है आपका सर्विस प्रेफरेंस का होता है, और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो ज्यादातर परेशान रहते हैं सर्विस प्रेफरेंस को लेके कि क्या डालें क्या नहीं डालें। और अगर आप डालते हैं तो आपके पीछे एक रीजन होना चाहिए, आपने क्यों डाला है उसको, और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी पूछा जाता है आपसे, क्योंकि आप ये आर्म पुलिस फोर्सेस वगैरह में जा रहे हैं तो आपको ऐसे काफी सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। तो एक मैं आपको कहूंगा कि 4 से 5 दिन लगा के आप जितने भी फोर्सेस हैं इसमें सबके बारे में पढ़िए, एक बेसिक नॉलेज लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, इनके रोल के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में जानिए, समस्याएं जानिए इनकी क्या है,
तो इस पे आप दो चार दिन दे सकते हैं, आप YouTube वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, काफी सारे इनके डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए हैं लोकसभा टीवी वगैरह पे, तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देख लीजिए सारे फोर्सेस की। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस वगैरह क्या हैं उनपे देख लीजिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ देख लीजिए। तो ये सारे वीडियोज आप YouTube पे देख सकते हैं या कोई बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, तो उससे ये जो एक सिक्योरिटी पार्ट है इन सारे चीजों को आप कवर कर सकते हैं और अपना जो फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड आप अच्छा मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। एक क्वेश्चन लाजमी है कि आपसे पूछा जाए। अगला फिर कॉलम अगर आपका आता है तो आपके 10th 12th और जो ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया हुआ है, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें पढ़ा है, क्या आपके परसेंटेज आए थे, क्या ग्रेडिंग आई थी, किस ईयर में आपने पास किया है, किस बोर्ड से किया है वगैरह आपको डालना पड़ता है। हाँ, अगर आपके परसेंटेज अगर डिक्लाइन होते जा रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो उसके पीछे वो आपसे पूछ सकते हैं कारण क्या है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर परसेंटेज अगर आपका पढ़ाई अगर खराब हो रहा है तो कहीं आपने कुछ अच्छा किया हो। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग का मार्क्स अगर डिक्लाइन होता है 10th से 12th में तो हम देखते हैं कि उन्होंने कहीं NCC कर रखा है या स्पोर्ट्स वगैरह में वो अच्छे हैं, तो ये सारी चीजों को वो देखते हैं कि एक बैलेंस है कि नहीं या आपने टाइम वेस्ट किया है। तो टाइम वेस्ट टाइप आपको नहीं दिखाना चाहिए कि आपने टाइम वेस्ट किया, आप एक आंसर तैयार कीजिए अगर आपके कम हैं तो क्यों है। नॉर्मल आंसर ये भी हो सकता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका 12th के बाद ग्रेजुएशन में आके क्या बोलते हैं परसेंटेज कम क्यों हुआ है, तो मैंने उनको एक आंसर दिया था कि सर मैंने 12th तक साइंस पढ़ा था और 12th के बाद आके मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे उसको समझने में काफी तकलीफ हुई, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मार्क्स काफी डिक्लाइन हो गया था, तो मुझे 53% वगैरह कुछ मार्क्स है। उसके बाद मैंने जब उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे होने लगी तब मेरे फिर मार्क्स बढ़े, तो वो जो फर्स्ट ईयर में कम हो गया था उस कारण से थोड़ा परसेंटेज कम रह गया। तो इस तरीके के आंसर आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप इसमें डालते हैं, खासतौर की आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ लें, 11th 12th को के जो बुक्स हैं उसको तो आप पढ़ ही लें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और साथ ही साथ 6 से 8 महीने का आप ये अपना करेंट अफेयर्स उस सब्जेक्ट का करके जाएं, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आप इसमें डालते हैं जैसे साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, इनसे रिलेटेड आप एक एक पेज पढ़ सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने 2016 वाला मेरा इंटरव्यू दिया था तो लास्ट बोर्ड मेंबर जो थे उन्होंने मेरे से ये पूछ दिया कि अच्छा आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा है, पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, लास्ट में उन्होंने ये मेरे से पूछा आपने इंग्लिश पढ़ा है 12th में, तो आप मुझे बताइए शेक्सपियर के ड्रामाज में क्या कॉमन हुआ करता था। अब मैं बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एकदम कुछ देर के लिए साइलेंस एकदम हो गया था। तो ये देखिए ऐसे आप मत फंसिए, जो मेरे साथ गलती हुई है वो आप मत कीजिए कि आपको फिर एक नया अटेम्प्ट लेना पड़े जैसे मुझे लेना पड़ा था। फिर उसके बाद वो समझ गए कि इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कोई कौन फेवरेट पोएट है आपका 12th क्लास के बुक में से, तो फिर 4-5 क्वेश्चन पे सॉरी 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 सर होते चला गया। तो ऐसा आप मत कीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, जो मेरे साथ गलतियां हुई है वो आप मत दोहराइए, यही मेरा मोटिव है आपके सामने आने का। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को होती है जब ये डेफ वगैरह भरने में, वो है आपके हॉबीज वगैरह से रिलेटेड, जो ये पर्टिकुलर सब प्राइज मेडल वगैरह का देते हैं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैं आपको बता दूं कि जो भी डिटेल आप इस कॉलम में डालते हैं उसको आप बहुत माइन्यूटली सोच के भरिएगा, क्योंकि अब आप देखिए इनसे क्वेश्चंस पूछे जा नहीं है और इनसे रिलेटेड हिस्ट्री वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है, और अगर आप जो भर रहे हैं जो आपने अपने लाइफ में किया है, जो अचीवमेंट आपको मिला है, जिसमें आपको मेडल मिला है, जिसमें आपको प्राइज मिला है, उसी को आप नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं तो एक निगेटिव इंप्रेशन जाता है। जैसे तो इसको आप बहुत काफी लोग होते हैं कि क्रिकेट भर देते हैं, उन्होंने कभी क्रिकेट की उतनी दिलचस्पी रहती नहीं है फिर भी भर देते हैं, और तो क्रिकेट एक खेलना अलग है लेकिन आप वहां खेल के तो दिखाइएगा नहीं बोर्ड मेंबर्स के सामने, आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ना जो उससे कुछ रिलेटेड रिकॉर्ड्स वगैरह ये सभी पूछे जाएंगे। तो ये जो भी आप इसमें भरते हैं उससे रिलेटेड आप एक एक दो दो पन्ने अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जैसे मैं अपना बता दूं कि मेरा हॉबी था वॉलीबॉल खेलना और मैंने CBSE वॉलीबॉल, क्लस्टर इंटरजोनल वॉलीबॉल वगैरह खेला था स्कूल में, तो इससे रिलेटेड मैंने 3-4 पेज प्रिपेयर किए थे। अगर आप वॉलीबॉल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके हिस्ट्री के बारे में जानिए, कोई भी स्पोर्ट के हिस्ट्री के बारे में जानिए, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और साथ ही साथ डिफरेंस क्या है स्पोर्ट्स और गेम्स के बीच में,
उसके बाद गेम्स या स्पोर्ट्स हमें आपको क्या सिखाता है, आपको उससे क्या सीखने को मिला, एक फिजिकल एंड्योरेंस और एम्यूजमेंट के अलावा आपने क्या सीखा, तो जैसे कोऑर्डिनेशन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, तो इन सारी चीजों को आप प्रिपेयर कर लें, ऐसे आंसर्स आप वहां दें। फिर एक कॉलम आता है जिसमें आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हेल्ड की है कि नहीं, तो जैसे मैं सैनिक स्कूल से मैं पढ़ा था तो मैंने वहां पे स्कूल मेस कैप्टन था मैं, तो उससे रिलेटेड उन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ डाइट से रिलेटेड, एक डाइट कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें, ये तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो अलग अलग आदमी का अलग अलग डिपेंड करता है, या आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दे दिया जा सकता है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। कभी कभी सिचुएशन को टेस्ट बनाया जाता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप काम है कि नहीं है, सोच समझ के फिर आंसर उस सिचुएशन में भी दे पा रहे हैं कि नहीं, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ लोगों के पास एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होता है, तो हाँ ये डिजायरेबल एक क्वालिफिकेशन है, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आप उसको आपको एक लेके जाना रहता है, इसका ओरिजिनल में भी यूपीएससी में इंटरव्यू के दिन, और एक फोटोकॉपी भी, और हाँ कुछ वेटेज मिलता है, लेकिन हाँ फिर अगर ये एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट और आपसे काफी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको प्रिपेयर करना है। तो जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, क्या क्या चीज को आपको प्रिपेयर करना है, आप सब पे एक से दो पन्ने प्रिपेयर कर लीजिए। फोर्सेस वगैरह पे जो आपका प्रिफरेंस है वगैरह पे, उनमें ज्यादा थोड़ा टाइम दीजिए, आपके हॉबीज सेक्शन वगैरह पे ज्यादा टाइम दीजिए, कम से कम 4 से 5 दिन दीजिए। आपका जो होम स्टेट वगैरह के बारे में जो मैंने बताया था उस पर आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं, है ना। और अंत में आप ये कर सकते हैं कि जब आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया है तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह के लिए आप जा सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज में कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा मत दीजिए, 2 से 3 दीजिएगा। और देखिए इंटरव्यू ऐसा है कि आप कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा इंटरव्यू के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगा ही, और रोज ऐसा कोई आपको मिलेगा, जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है तो वो आपका ये बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आप आंसर दे दें, और सबको, और कोई ऐसा एक होगा जो आपकी टांग खींचने के लिए आपसे रोज ऐसा एक हार्ड क्वेश्चन आगे पूछेगा जिसका आप आंसर नहीं दे पाइएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरा तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है। तो इंटरव्यू एक ऐसा है कि आप कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, आप जैसा मैंने बताया आपको, या आप और लोगों के भी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देखते हैं, मेरा भी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिएगा, इनको देख के आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो आपने डेप्थ में रखा है इनको अच्छे से टच कर लीजिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और कॉन्फिडेंटली जाइए। और एक अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, एक नॉलेज तो है ही, आपका प्रिपरेशन तो है ही, एक अपीयरेंस मैटर करता है। अगर आप कोई चीज आपको नहीं आता है तो आप कैसे ओन अप कर रहे हैं, कोई लोग बोलेंगे सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे अलग अलग टोन बदल जाता है, तो आप इन टोन को देखिए, है ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूरा जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सिर्फ आपके चेयरपर्सन के पास होता है, जो चेयरपर्सन होंगे बोर्ड के उनके पास ये पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनके पास उनके पास एक समरी सीट होती है, तो समरी सीट पे जो डिटेल है उस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो वही जो मैंने बताया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड और लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप ऐसे बनाइए, और एक कॉपी आपको तो पता ही होगा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के टाइम पे आपको डेफ का लेके जाना रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आपने रिटेन क्वालिफाई किया है, तो इस रिटेन को 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू।